नमस्कार दोस्तों, जब भी आप किसी को एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से पैसा भेजते होंगे तो आपके बैंक में यानी एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोग को कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। योर अकाउंट हैज़ बिन टेम्पोररी ब्लॉक्ड, कॉन्टैक्ट ऑपरेटर फॉर मोर डिटेल्स। तो अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका अकाउंट ब्लॉक्ड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं टेम्पोररी ब्लॉक्ड हो चुका है। तो आपको अगर अनब्लॉक करना है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अनब्लॉक करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आ चुका है, तो इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आपको जाना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। जब भी आप लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा इसको आपको पहले पूरा पूरा खुलने देना है, और यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में आपको डिटेल्स दिखेगा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दिख सकता है, और उसके नीचे में यहाँ पे देख सकते तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, माई सर्विसेज एंड बैंक प्रोफाइल नोटिफिकेशन एंड सेटिंग्स का। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बैंक प्रोफाइल में क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिए, इसी बैंक प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेट करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। ध्यान से इस सब स्टेप को आपको समझना है, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पे आपको नीड मोर हेल्प का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीड मोर हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो सबसे नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ पे नीड मोर हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे आप यहाँ पे वेट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेल अस योर इशू का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है FREE, फ्री लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको ZE लगा देना है, फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीज लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा, आई एम गेटिंग एन एरर, ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू दिस अकाउंट। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे बैंक का ऑप्शन रहेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे घूमेगा, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप वेट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। क्यों स्क्रीनशॉट लेना है इसका हम आपको अभी डिटेल बताने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए हम आपको यहाँ से आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेयर का ऑप्शन है, तो इसी में आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, और जैसे आप वेट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, हम आपको दिखा देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइक नहीं किए तो जरूर से लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये आपको प्रॉब्लम कब से आ रहा है। ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताइए, ताकि पता तो चले कि कितने दिन से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे आप, और उसके बाद नीचे कॉमेंट ये भी कर दीजिएगा कि आपका सोल्यूशन हुआ या नहीं। उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, जिसको आपको अलाउ कर देना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे हम आपको जो स्क्रीनशॉट लिए थे यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, कॉल अस एट 400। तो यहाँ पे एक 400 नंबर है, और एक यहाँ पे एक और नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो जो अकाउंट है किस सिम में है, यानी जिस सिम में है, अगर वो एयरटेल सिम है तो यहाँ पे आपको 400 नंबर पे कॉल लगाना है। ठीक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आपको एयरटेल के अलावा यानी एयरटेल सिम के अलावा कोई दूसरा सिम में है, एयरटेल पेमेंट बैंक आपका अगर आपका जियो में है या कोई दूसरा कंपनी का सिम में है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, तो आपको इस नंबर पे कॉल लगाना। ठीक है, तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जिस भी सिम में है यानी अगर एयरटेल में है तो आपको इस नंबर पर कॉल लगाना है, अगर आपका एयरटेल के अलावा कोई दूसरा में है तो इस नंबर पर आपको कॉल लगाना है। और जैसे आपका कॉल लग जाएगा उसके बाद आपको उनसे कहना है कि हमारा अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी हम किसी को पैसा भेजते हैं ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेंगे। क्या क्या हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे हमको जब ये प्रॉब्लम आया था तो हम जब बात किए थे तो हमको क्या क्या बताया गया, तो हमको बताया गया कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सादा पेपर जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब किसान या स्टूडेंट जो भी है वो लिखना है, उसके बाद मेरा इनकम कितना है वो लिखना होता है एक सादा पेपर में, उसके बाद एक इसमें एक में सादा पेपर में आधार कार्ड, टू कॉपी किया हुआ,
और उसके बाद एक में पैन कार्ड, और उस पैन कार्ड के में जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर होना चाहिए पेपर में किया हुआ, शायद आधार कार्ड में भी सिग्नेचर मांगता है। तो यहाँ पर आप जैसे आप कॉल कीजिएगा ना, तो उनसे आपको पूरा फ्रेश से पूछ लेना है कि हमको क्या क्या अपलोड करना है, और यहाँ पे कमेंट्स में आपको क्या क्या लिखना है उनसे सारा चीज़ पूछ लेना है, ठीक है। कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप वहाँ से कॉल करके पूरा कंफर्म पता कर लीजिएगा। अगर आपका इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि क्या अगर पैन कार्ड अगर हमका हमारा नहीं है तो हम कर सकते हैं क्या, हमारा लॉक हटेगा क्या, अनब्लॉक होगा, या मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, या जो भी है। तो वहाँ से अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ से आप बात करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद अपलोड क्या कैसे करना है, तो अगर दो तीन ठो डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको पहले पीडीएफ बनाना होगा। तो पीडीएफ बनाने के लिए कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ मेकर, पीडीएफ ऐसे कुछ होता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका साइज़ आपको घटा लेना है, 1 MB से कम कर लेना है पीडीएफ को। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड फाइल में क्लिक करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है, और वो पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर कॉमेंट में आपको जो लिखने बोलेगा यहाँ पे आपको लिख देना है, और जैसे आप लिख के सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोसेस बताएगा, अगर आप कॉल कीजिएगा और इसके अलावा कोई प्रोसेस बताएगा तो आप वो भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। हमको जो बताया गया था वही हम आपको बताएं, ठीक है। इसीलिए हम आपको बता दिए कि आप कॉल करके पूछ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, और हम आपको ये भी बता दिए कि डॉक्यूमेंट आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं।